हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। industrialpunch.com ने एक रिपोर्ट निकाली है। उस रिपोर्ट के मुताबिक SECL में बीते 5 साल में 17,000 कामगार रिटायर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक एक भी नियुक्ति नहीं की गई है। आपको बता दें कि साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, तो SECL भारत का मतलब कोल इंडिया लिमिटेड का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने वाला कंपनी है। मतलब सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रोडक्शन करता है तो SECL यानी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड करता है। तो ये जो कंपनी है, इसमें SECL में हर साल औसतन एवरेज अगर देखेंगे तो 3400 की संख्या में कामगार और सेवानिवृत्त जो अधिकारी हैं वो रिटायरमेंट ले रहे हैं। मतलब 3400 पर ईयर एम्प्लॉयज़ जो हैं इसमें से कम हो रहे हैं, दोनों मिला के है, इसमें कामगार और अधिकारी दोनों मिला के हैं। और वहीं बीचे 5 साल में अगर आप देखेंगे वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर, 5 साल फाइनेंशियल ईयर का आप जब हिसाब कीजिएगा, जिसमें 2016-17, 17-18, 18-19, 19-20 और 20-21 भी शामिल है, तो ये जो पांचों फाइनेंशियल ईयर है इसको अगर आप जब जोड़िएगा तो उसमें टोटल जो एम्प्लॉयज़ हैं वो 16,631 कर्मचारी और 682 अधिकारी रिटायर हो चुके हैं। 1 अप्रैल 2021 के हिसाब से जो डाटा देखिएगा SECL का जो अवेलेबल है, उसमें मैन पावर अभी फिलहाल SECL का 47,481 है, जिसमें कार्यपालक की संख्या 2,738 है। कार्यपालक मतलब एग्जीक्यूटिव जो है, एग्जीक्यूटिव का टोटल संख्या 2,738 है। वहीं नॉन एग्जीक्यूटिव और सब कुछ मिला करके 47,481 एम्प्लॉयज़ अभी फिलहाल 2021 के हिसाब से मैन पावर है। और अगर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो पिछले 5 सालों में सेवानिवृत्त सिर्फ हुए हैं, लेकिन 5 सालों में एक भी नियुक्ति नहीं की गई है SECL के द्वारा। ये रिपोर्ट industrialpunch.com के हिसाब से है। और ये सब बातें लोकसभा में पूछे गए एक सवाल में कोयला मंत्री ने लिखित जवाब में इसकी जानकारी दी है, जिसमें आंकड़ा भी प्रस्तुत किया गया है कि कितने लोग रिटायर किए गए हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि 2016-17 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें टोटल एग्जीक्यूटिव पोस्ट की बात करें यानी कार्यपालक पोस्ट की बात करें तो 116, और नॉन एग्जीक्यूटिव यानी गैर कार्यपालक की बात करें तो 3215 व्यक्ति रिटायर किए थे। 2017-18 फाइनेंशियल ईयर की बात कीजिएगा तो उसमें 115 एग्जीक्यूटिव अधिकारी और नॉन एग्जीक्यूटिव जो है वो 3207 एम्प्लॉयज़ रिटायर किए थे। 2018-19 में 137 एग्जीक्यूटिव और 3362 नॉन एग्जीक्यूटिव रिटायर किए थे। वहीं 2019-20 की बात करें तो 171 एग्जीक्यूटिव और 3308 नॉन एग्जीक्यूटिव। 2020-21 में 143 एग्जीक्यूटिव और 3539 नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉयज़ जो हैं वो रिटायर कर चुके हैं। ये पूरा का पूरा आंकड़ा है, और जब इसको सबको जोड़ के देखिएगा तो इसमें लगभग 17,000 ऐसे कर्मचारी हैं, टोटल कर्मचारी और अधिकारी मिला करके 17,000 के आसपास है जो अभी तक पिछले 5 सालों में रिटायर किए जा चुके हैं। लेकिन अभी तक SECL की ओर से पिछले 5 साल में एक भी नियुक्ति नहीं की गई है, सीधी नियुक्ति नहीं की गई है। मतलब जो बाहर वाला बहाली होता है, एक्सटर्नल बहाली होता है, इंटरनल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ग्रेड प्रमोशन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये जो बाहर वाला बहाली होता है उसके जरिए एक भी कैंडिडेट को अभी तक फुलफिल नहीं किया गया है SECL के द्वारा, ये रिपोर्ट बता रही है। तो SECL को जैसे पहले वैकेंसीज आती थी उसी तरह से SECL को और भी वैकेंसीज लानी चाहिए थी, क्योंकि एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव दोनों पोस्ट का जो बहाली है वो होना चाहिए था। आपको बता दें कि मैनेजमेंट ट्रेनी करके एक पोस्ट होता है जो बीटेक कर लेने के बाद, गेट क्लियर कर लेने के बाद कोल इंडिया लिमिटेड वैकेंसी निकालती है, उसमें इंटरव्यू के जरिए उसमें सेलेक्शन होता है, पहले रिटेन भी था। तो ये ही एक वैकेंसी है जो हर साल निकालती है, वो कोल इंडिया लिमिटेड निकालती है, और कोल इंडिया लिमिटेड सेलेक्ट करने के बाद, शॉर्टलिस्ट करने के बाद सबको अलग अलग सब्सिडियरी में भेज देती है। इसके बाद और कोई भी वैकेंसी नहीं है जो SECL के द्वारा निकाला गया है एक्सटर्नल कैंडिडेट के लिए पिछले 5 साल में। तो ये काफ़ी दुखद है, जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बीटेक लेवल के हों, डिप्लोमा लेवल के हो, और अलग अलग जो क्वालिफिकेशन रखते हों, जो भी एक्सटर्नल वैकेंसी का वेट कर रहे हैं उसके लिए ये बहुत दुखद खबर है कि SECL में पिछले 5 सालों में एक भी बहाली नहीं आई है। तो इससे रिलेटेड जो भी कमेंट हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और अगर कोई स्पेशल टॉपिक भी आप कमेंट करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।
अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फेसबुक पेज को लाइक कर ले, फॉलो कर ले। और टेलीग्राम ग्रुप को अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही साथ ट्विटर पर भी चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, हैंडल आ रहा होगा स्क्रीन पे। और ऐसे ही कोल माइनिंग, मेटल माइनिंग और पावर सेक्टर से रिलेटेड हर छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए, हर वैकेंसी से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल ब्लैक डायमंड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।